देखिए ये क्या कर रहा है। ओए बिल्ली मौसी, बिल्ली मौसी पापा कहो कहो कहाँ है तारी हम मन निकले चांद रे मौसी आज ये ना क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो अभी जस्ट सुबह का अगर टाइम दिखाएं तो देख सकते हैं 3:25 हो रहा और हम एक घंटा पहले उठ गए थे, 2:30 बजे लगभग उठ गए थे और तब से कर रहे थे पढ़ाई। तो लगभग एक घंटा का लेक्चर 45 मिनट का था तो वो कंप्लीट कर ले। और बता दे तो मोहन रूम भी नहीं है, तो हम हैं, दीदी है, बउआ है और दाई है, तो आज हमको ही कोऑपरेट करना होगा। वैसे मोहन रहता था तो कम प्रेशर रहता है, तो देखते हैं आज दिन में वो सब तो उठ के आएगा 8 बजे 7 बजे, तो उससे पहले हम कंटिन्यू करेंगे स्टडी और देखते हैं फिर आज होता क्या और कैसे कोऑपरेट किया जाता है बच्चा को, साथ में स्टडी को मैनेज किया जाता है। तो एंजॉय करिए ब्लॉग को एंड तक। मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया और सबको ही उठ गया, तो चलते हैं सबको इसे मिलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले इससे मिलिए, देखिए ये खिड़की से खेल रहा था गूगल के साथ, तो गूगल चला गया है, ये भी गुगू गुगू कर रहा, बाहर राधा गई हुई है। तो देखिए ये अंदर से यहाँ बांधा हुआ है। ओए गुगू क्या, गूगल यहाँ से खुल के वहाँ बांधा गया, देखिए कैसे कर रहा है, क्या 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 आ गया आ गया आ गया। ओए ओए तो इसको अभी दीदी ना डांटी है, इसका मुंह देखिए, बोली थी शायद मार्केट से समोसा मंगाने के लिए सुबह सुबह, यही बोली थी ना राधा, अभी हमसे भी नहीं बात कर रही बहुत देर से। तो चुपचाप आके अपना किताब खोल के पढ़ने के लिए बैठ गई है, वो भी मेरे रूम में आई। अपने रूम में जाओ ना, ओए कुछ भी नहीं बोले, बहुत देर से इसको उकसाए हैं। समोसा खाएगी, क्या खाओगी बताओ ना, मतलब इतना छोटा बच्चा इतना गुस्सा, देखिए आँख में पूरा आंसू आया हुआ है। देखे राधा मुँह, राधा 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 दिखाओ ना, ओए थोड़ा इधर दिखाओ ना, नहीं और नीचे कर लिया, अपना पढ़ रही है। किसी से बात नहीं ना करोगी, नहीं ना करोगी, दो मेरा बुक था, हम ही ने खरीद दिए थे, लाओ बुक लाओ। देखिए इतना छोटा बच्चा मतलब इतना गुस्सा, वो देखिए कैसा है इसका, वाह। नहीं बात करोगी ना, ए लड़की, राधा राधा जा रहे हैं हम भी, बाय, समोसा लाने के लिए जा रहे हैं, जाए अब काहे देख रही हो, समोसा खाओगी। तो अब नीचे से उठ के ऊपर आए, जब हम भी आ गए थे अपना टेबल पे पढ़ने के लिए, पहले तुमको क्या हुआ ये बताओ। मोबाइल, अब ये मोबाइल लेगी, मतलब ये है ये जब रूठ जाती है तब इसको फोन चाहिए और कुछ नहीं। पहले बताओ क्यों क्यों गुस्सा था, नहीं बताओगी तो नहीं देंगे मोबाइल। लेके क्या करोगी, पढ़ेंगे ना, क्या पढ़ोगी मोबाइल में, ओसेनार। ओसेनार तुमको आता है, पहले सुनाओ थोड़ा, तब कुछ बताओ क्या पढ़ी हो अभी तक, तब देंगे मोबाइल। बच्चे वे वाला नहीं पढ़ते हुए ही। बच्चे क्या वाला पढ़ते हैं, और और बी फॉर बॉल, बी फॉर बॉल, और सी फॉर कैट, और डी फॉर डॉग, और डी फॉर एलिफेंट, ई फॉर एलिफेंट, और हो गया अगला, मतलब हो गया इतना सुना के इसको अब फोन चाहिए। अभी मम्मी डांटी थी, क्यों डांटी थी मम्मी, ऐसे हैं बताओ तो हम ला देंगे मार्केट से, नहीं लेना है, नहीं मम्मी डांट दी तो अब नहीं लेंगे। राधा फोन दे के गई है नहाने के लिए और हम चलते हैं नाश्ता के लिए। तो आज का नाश्ता हम बना है दलिया, दूध में बना है दलिया, वैसे तो पानी में भी बनता है। देखिए राधा खा रही, कैसा लग रहा है राधा, कैसा है, कैसा बना है, टेस्टी। अच्छा तुमको दूध वाला अच्छा लगता है कि पानी वाला, दूध। ठंडा में सबसे हार्ड काम है नहाना, लेकिन नहा लिए और अभी नीचे में कोई नहीं है, सब कोई ऊपर चला गया, दीदी दाई बुआ, तो
अभी जस्ट आए हैं किचन में खाना के लिए। तो अभी ताई ऊपर है तो ऊपर उसका खाना ले जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ छत पे खा रही है राधा, सिर्फ राधा का खाना आया था। कैसा इसको देखिए ये क्या कर रहा है। ओए क्या कर रहा, क्या कर रहा, धूप का मजा ले रहा है। नहीं नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं अभी नहीं, खेलो खेलो, देखो धूप है कितना अच्छा। तो जहाँ पे आए हैं वहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी एक दादी है जो कि लगभग बहुत एज के हैं, बउआ खेल रहे हैं पूरा खुशी के साथ। मतलब राधा गोदी में देखो ना बाबू हैं, कैसे ले। चलो नीचे चलो, अब नीचे चलते हैं। कैसे ले बताओ ना, जाओ मम्मी के पास चले जाओ, मम्मी की गोदी। अच्छा अच्छी हो गया ना गोदी। खाना आ गया मेरा, चावल सब्जी। और उधर कहाँ, डेयरी मिल्क लेने तो हम ला देते हैं। तुम दुकान पे जाती हो तो और कुछ बोलती हो खरीदने के लिए। नहीं नहीं एक ही डेयरी मिल्क। कैसा है, तुम्हारे पास है? नहीं मेरे पास नहीं है। मम्मी के पास, मम्मी के पास है, एक ही है पैसा। हाँ तो ले आओ जाओ। मेरे पास नहीं है, मेरा पैसा सारा खत्म हो गया, सुबह में हम खर्च कर दिए थे। तो डेयरी मिल्क देंगे तो क्या करोगे उसके बाद? तो हम ला देते हैं, हम लेके आए, तुम यहीं रहोगी तो? तो किसी के साथ तुमको जाने का क्या जरूरी है, तुम छोटा बच्चा हो ना। हमको अभी पढ़ने का टाइम है, हम खाना खा लिए तो हम पढ़ते हैं, शाम में चलेंगे क्या? तुम भी पढ़ाई करो, हम भी पढ़ाई करते हैं। तुम चलो तो पैसा लेके आओ। तो तुम्हारे पास एक है तो दे दो। मेरे पास एक भी नहीं है। हाँ है जाएंगे मेरे खाएंगे डेयरी मिल्क। जाओ मम्मी से पैसा मांग के आओ। ये जिद करके अब जा रही है डेयरी मिल्क लेगी ही। क्या लो खाना, चाय भी पियोगी? नहीं पिएगी राधा चाय। तो डेयरी मिल्क तो खा ली ना डेयरी मिल्क, हमको नहीं ना दी। ठीक है अब नहीं ना खरीदाएगी कभी, नहीं अब नहीं मिलने वाला। देखो ना वो अभी चाय बना रहे हैं बहुत। चाय बन के भी आ गया है, देखिए राधा को एक डिब्बा मिल गया बिस्किट, एक दीदी को मिला है। तो अभी यहाँ देखिए यहाँ का सिचुएशन क्या है, डंटा या राधा के लिए तो उसके डर से वो अब पढ़ना चालू करेगी। सुबह में अपने मन से पढ़ रहे थे वो सब, अब देखिए कैसे पढ़ाई हो रहा है। हम अपने रूम में पढ़ने के लिए, उधर डायलॉग पढ़ रही है। तो भी जस्ट हम आ गए हैं ऊपर, और पिछले नाइट क्या हुआ था, पढ़ते पढ़ते हम सो गए थे। उससे पहले दाई को पढ़ाई करने के बाद थोड़ा मार लगा था तो वो भी रोते रोते सो गई थी। और क्या हुआ, खाना वाना सब बन गया था, लेकिन खाने के लिए हम बोले दीदी को सो जाने के लिए, हम खा लेंगे, खाना भी नहीं खाए तो वो भी रह गया। तो वीडियो को अभी जस्ट एंड कर रहा है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर ही दीजिएगा। और फिर मिलते हैं किसी अनदर ब्लॉग में जल्द, इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।